चाणक्य समसामयिकी विशेष में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा विषय है ओपन स्काई संधि। हाल ही में रूस ओपन स्काई संधि से अलग हो गया है। रूस ने अमेरिका का हवाला देते हुए यह फैसला लिया है। नवंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपचारिक रूप से ओपन स्काई संधि से अलग हुआ था। इस संधि के तहत शामिल देश अपने आसमान पर दूसरे देशों के हथियार रहित विमानों को उड़ने की अनुमति देते रहे हैं। विषय को विस्तार से जानने से पहले आइए जानते हैं ओपन स्काई संधि है क्या। अमेरिकी राष्ट्रपति डी आइजनहावर ने पहली बार जुलाई 1955 में मुक्त आकाश संधि को लेकर प्रस्ताव पेश किया था। प्रस्ताव में कहा गया था कि अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ एक दूसरे के क्षेत्र में टोही उड़ानों की अनुमति दे। उस समय संधि को लेकर कुछ खास नहीं हो पाया। इसके बाद मई 1989 में राष्ट्रपति जॉर्ज एच डब्ल्यू बुश ने प्रस्ताव पेश किया और फरवरी 1990 में वारसा पैक्ट लागू हुआ। कुछ देशों ने 24 मार्च 1992 को संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन रूस ने प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। 1 जनवरी 2002 में रूस ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और ये लागू हो गई। यह व्यवस्था सदस्य देशों के बीच विश्वास बढ़ाने और संघर्ष को टालने के लिए शुरू की गई थी, जिससे आकस्मिक युद्ध की संभावना कम हो सके। यह संधि एक ऐसा समझौता है जो इस संधि में शामिल सभी सदस्य देशों के पूरे क्षेत्र में हथियार रहित हवाई निगरानी उड़ानों की अनुमति देकर उसमें आपसी विश्वास को बढ़ावा देना चाहता है। इस संधि पर अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, स्पेन, ग्रीस, इटली, पुर्तगाल और रूस सहित 35 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। अमेरिका इस ओपन स्काई संधि से पीछे क्यों हटा? अमेरिका ने मई 2020 में यह कहा कि रूस इस संधि के अनुसार अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। अमेरिका के अनुसार रूस ने अबकाजिया और दक्षिण ओसेशिया के साथ लगी अपनी सीमा के 10 किलोमीटर के गलियारे के भीतर इन अवलोकन उड़ानों की आवाजाही से इनकार कर दिया। रूस ने कैलिनिनग्राद पर इन उड़ानों की दूरी को भी सीमित कर दिया है, जहां इसकी छोटी दूरी और मध्यम दूरी की न्यूक्लियर टिप्स मिसाइलों का बेस स्टेशन है, जहां इसकी छोटी दूरी और मध्यम दूरी की न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइलों का बेस स्टेशन है। वर्ष 2019 में रूस ने एक बड़े रूसी सैन्य अभियान पर अमेरिका और कनाडा द्वारा साझा अवलोकन उड़ान को अनुमति देने से इनकार कर दिया था। रूस ने क्रीमिया और यूक्रेन में एक ओपन स्काइज रिफ्यूलिंग एयरफील्ड निर्दिष्ट किया है। इसे अमेरिका ने रूस द्वारा संबद्ध प्रायद्वीप पर विजय के अपने दावे को आगे बढ़ाने के प्रयास के रूप में देखा, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका स्वीकार नहीं करता है। रूस इस संधि से अलग क्यों हुआ? रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका 2020 में इस समझौते से अलग हो गया था, इसलिए संतुलन कायम करने के लिए रूस का यह निर्णय लेना जरूरी हो गया था। रूस की संसद ने 2001 में इस समझौते की मूल शर्तों में बदलाव किया, लेकिन अब इससे अलग होने का फैसला किया गया है। अमेरिका द्वारा इस संधि को छोड़ने के बाद रूस ने इस संधि से संबंधित नाटो सहयोगियों से आश्वासन मांगा कि वे रूस से वाशिंगटन के लिए अपनी उड़ानों द्वारा एकत्र किए गए डेटा को स्थानांतरित नहीं करेंगे। इस अनुरोध का नाटो सदस्यों ने समर्थन नहीं किया। इसे संधि छोड़ने के लिए प्रेरित कारक माना जा रहा है। इस संधि का महत्व क्या है? इस संधि का उद्देश्य अपने सभी सदस्य देशों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देना है, ताकि वे अन्य देशों के सैन्य बलों के बारे में प्रासंगिक जानकारी एकत्र करने का समान अवसर हासिल कर सके। यह संधि अपने सदस्य देशों के सैन्य बलों की विभिन्न गतिविधियों में खुलेपन और पारदर्शिता को भी बढ़ावा देती है। इस संधि के तहत 1500 से अधिक उड़ानों का संचालन किया गया है। इस संधि से
अमेरिका और रूस के निकलने से क्या बदलाव होंगे। ओपन स्काई ट्रीटी से दोनों सबसे मजबूत देशों के बाहर आने से इन देशों के बीच तनाव दोबारा बढ़ सकता है। साल 2019 में भी दोनों ही देश इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी तोड़ चुके हैं। यह संधि साल 1987 में दोनों देशों के बीच हुआ अहम करार मानी जाती थी। इसके तहत दोनों ने ही मध्यम दूरी के घातक हथियारों को नष्ट करने का करार किया था, ताकि परमाणु हथियारों की दौड़ रोकी जा सके। अब डर ये है कि इसका असर एक और लेकिन बेहद अहम न्यू स्टार्ट संधि पर भी हो सकता है। यह संधि परमाणु नियंत्रण संधि है, जो फरवरी 2021 में एक्सपायर होने जा रही है। अगर ऐसे में तनाव बना रहा तो संधि आगे बढ़ने की बजाय खत्म हो जाएगी, जिससे दुनिया में परमाणु हथियारों की रेस तेजी से चल पड़ेगी। आज का प्रश्न है, ओपन स्काई संधि से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, यह संधि 2002 में लागू हुई थी। कथन दो, यह ऐसा समझौता है जो इस संधि में शामिल सभी सदस्य देशों के पूरे क्षेत्र में हथियार रहित हवाई निगरानी उड़ानों की अनुमति देकर उनमें आपसी विश्वास को बढ़ावा देना चाहता है। उपरोक्त में सत्य कथन है, विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में आप अपने उत्तर दे सकते हैं, आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प ए। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।